हेलो स्टूडेंट्स, रामराज इंटर कॉलेज नारायणपुर पीतमपुर हीरापुर जनपद अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश। क्लास इंटर फाइनल सब्जेक्ट इंग्लिश की ऑनलाइन कक्षा में सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल यानी इसके पीछे वाले पैराग्राफ में हमने आपको ये बताया था कि जो देश शताब्दियों पहले निर्धारित किया गया था समाज के लिए और उसको बहुत बेहतरीन बहुत अच्छा माना गया था, शताब्दियों के बाद आज के परिवेश में वो उचित हो, सब लोग उसको लाइक करें, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो देश वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। वर्तमान आवश्यकताएं क्या है, उन आवश्यकताओं के अनुसार पर्पज होना चाहिए। अब इसके आगे वाले पैराग्राफ हम देखते हैं। एवरी टाइम वी स्टार्ट वी यूज आवर हाइमंस एंड एंड बी सेइंग शांति ही शांति शांति। एवरी टाइम वी स्टार्ट वी यूज आवर हाइमंस। हम कोई भी कार्य जब आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उसमें पहले हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से विनती करते हैं, और उस कार्य की समाप्ति के बाद हम कहते हैं शांति ही शांति शांति। द टीचर एंड द पीपल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हिटिंग ईच अदर। अध्यापकों से और छात्रों से यह आशा किया जाता है कि उन लोगों के उन दोनों के बीच किसी प्रकार की घृणा ना हो, घृणा को दूर किया जाए। कंपैशन दया इज इक्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन देन ऑफ मैन। करुणा दया ये पुरुष की अपेक्षा महिलाओं के विशेष गुण होते हैं। करुणा दया पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की ये विशेष गुण है। आई रीड रिसेंटली ए बुक व्हिच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन द वुमनहुड एंड सेज दैट दिस इज सो बिकॉज देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपैशन। I read recently a book. तो यश राधा कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पुस्तक पढ़ा था जिसमें नारी जाति के पतन के बारे में लिखा था। नारी जाति के पतन के बारे में, उत्थान के बारे में नहीं बल्कि पतन के बारे में लिखा हुआ था, और उसमें ये लिखा गया था कि दैट दिस इज सो बिकॉज देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपैशन। नारी जाति का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उनके अंदर डिक्लाइन इन कंपैशन, क्योंकि उनके अंदर करुणा की भावना का अभाव पाया गया, उनके अंदर से करुणा और दया समाप्त हो गया, इसलिए उनका पतन हुआ। इन अदर वर्ड्स द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो महिलाओं का प्राकृतिक गुण, स्वाभाविक गुण करुणा है। इफ यू डू नॉट हैव कंपैशन यू आर नॉट ह्यूमन। यदि तुम्हारे अंदर करुणा का भाव नहीं है, दया का भाव नहीं है, तो यू आर नॉट ह्यूमन, तो तुम मानव कहलाने योग्य नहीं हो। इट इज therefore essential फॉर एवरी ह्यूमन बींग टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस काइंडनेस एंड कंपैशन। इसलिए प्रत्येक मनुष्य जात के लिए आवश्यक है कि वो अपने अंदर क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस। इसलिए सभी मनुष्यों को अपने अंदर विचारशीलता का गुण, दयालुता का गुण और दया का भाव पैदा करना
चाहिए। विदाउट दिस क्वालिटी वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, नर पशु, नॉट मोर देन दैट। इन गुणों के बिना कोई भी मनुष्य मनुष्य नहीं है, बल्कि वो ह्यूमन एनिमल है, मानव पशु के समान, यानी नर पशु है। नॉट मोर देन दैट, इससे अधिक कुछ नहीं है। देयर इज ए फेमस वर्स व्हिच टेल्स अस संसारा विश्व वृक्ष। तो यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है जिसमें कहा गया है संसारा विषा वृक्ष, संसार विष का वृक्ष है, जहर का वृक्ष है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में, इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड संसारा, इस अपूर्ण संसार में देर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी, दो अनुकरणीय गुण होते हैं। इस अपूर्ण संसार में मनुष्यों के लिए दो अनुकरणीय गुण फल की तरह से होते हैं। दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स एंड कम्युनिकेशन विथ ग्रेट माइंड्स। और वो दो फल क्या हैं? प्राचीन साहित्य का, ग्रेट क्लासिक्स, प्राचीन साहित्य, प्राचीन ग्रंथ का अध्ययन, एंड कम्युनियन विथ ग्रेट माइंड्स, और महान लोगों का संसर्ग, महान लोगों का साथ। तो दो फल हैं इस संसार के, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन और महान लोगों का संसर्ग, साथ। दीज टू आर द थिंग्स विच मोल्ड मैन्स माइंड एंड हेड्स। ये दो चीजें हैं जो मनुष्य के मन और मस्तिष्क को चेंज कर देते हैं। आई एम एनेक्सियस दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीड, द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर्स। इनहेरिटर्स मीन्स विरासत। तो आई एम एनेक्सियस, मेरी प्रबल इच्छा है कि जो हमारे महान प्राचीन ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया जाना चाहिए, द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, और केवल अपने ही देश के प्राचीन ग्रंथों का नहीं, बल्कि अन्य देश के भी प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, विच वी आर द इनहेरिटर्स, जो कि हमारी विरासत है। इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद दैट ए क्वेश्चन इज पुट। इन इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग, एक छोटे से संवाद में, उपनिषद में एक छोटे से संवाद में कहा गया है, एक प्रश्न पूछा गया है, उपनिषद में एक प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, के अच्छे जीवन का सार तत्व क्या है। द टीचर रिप्लाइज, अध्यापक उत्तर देते हैं, डिड नॉट यू हियर द आंसर, क्या आपने उत्तर नहीं सुना। देर वॉज ए थंडर क्लैप, द द द, इसके बाद बिजली जैसी तड़ित ध्वनि होती है और उसमें से आवाज निकलती है द द द। इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन, और तुरंत टीचर ने, अध्यापक ने उसकी व्याख्या किया कि दैट दीज वेयर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, यही जीवन के आवश्यक तत्व हैं, दमा, दान एंड दया। द द द का मतलब हुआ दम, दान और दया। दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, ये अच्छे जीवन का निर्माण करते हैं, अच्छे जीवन के तत्व का निर्माण करते हैं। यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल, रिस्टेंट, आपके अंदर दम होनी चाहिए, यानी आत्मनियंत्रण और संयमित आचरण करने का दम होना चाहिए, आत्मनियंत्रण होना चाहिए, संयम से रहना चाहिए, ये है दम। व्हिच इज द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो मनुष्य होने का चिन्ह है। इन द रामायण
व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर फॉरेस्ट। रामायण में प्रसंग आता है कि जब लक्ष्मण वन के लिए प्रस्थान करने लगे, हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माता ने उनसे कहा कि लुक अपॉन रामा एज योर फादर। उनकी माँ ने उनसे कहा कि राम को अपने पिता जैसा समझना। दशरथ लुक अपॉन रामा एज योर फादर दशरथ। तो लक्ष्मण की माँ ने कहा, बेटा राम को अपने पिता दशरथ जैसा समझना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, और सीता को ठीक वैसा ही मेरी तरह से समझना, माँ की तरह से समझना, एज योर मदर। लुक अपॉन दी फॉरेस्ट है अयोध्या, और जंगल को, वन को अयोध्या के समान समझना। गो माई डियर, मेरे प्रिय बच्चे जाओ। तो देयर आर एवर सो मेनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स, हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसी तरह से तमाम प्रेरणादायक कहानियां हैं, व्हिच विल इंस्टिल अस इन टू अस ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ, जो हमारे अंदर महान नैतिक बल पैदा करती हैं, व्हिच विल ले डाउन फॉर अस, जो हमारे अंदर नैतिक शक्ति का संचार करती हैं, द लाइंस ऑन व्हिच वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्फ, जिस पर हमें चलना है और उन गुणों के अनुसार ही व्यवहार करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।